सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं हूँ अभी मीना बाज़ार जो है आप देख रहे हैं, मैं आपको जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है मीना बाज़ार का मोती झील। मोती झील किसी समय ऐसा था, पूरे साफ़ सुथरा था। आप जो इतने भी पानी देख रहे हैं अंदर में जो साफ़ सफाई है उसी के जैसे था, लेकिन आए दिन कुछ दिन बाद इतना गंदगी फैला कि आप देख सकते हैं कि इतने इसके बगल में साइड में कितने सारे जलकुंभी लगा हुआ है, कितने कचरा लगा हुआ है। तो सरकार की तरफ से जारी है कि इस रिवर को साफ़ किया जाए, साफ़ सफाई किया जाए इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं मशीन जो आ रही है ये इसी जलकुंभी को है जो हटाने के लिए आ रही है। ये साफ़ सफाई करने वाला मशीन काफ़ी बहुत स्लो चलती है। जितनी भी साफ़ सफाई करने वाली मशीन होती है वो अक्सर स्लो ही चलती है। अब इसका रीज़न क्या है ये पता नहीं चलता है। तो आप देख रहे हैं ये जो आप बना हुआ है ना सीढ़ी नुमा टाइप का है, इसी के सब कुछ चल होगा। आप देख रहे हैं नीचे डाउन कर दिया गया, इसको अब चालू कर दिया जाएगा। तो इसी के द्वारा आप देख सकते हैं ये पट्टा पे जैसे बना हुआ है, अब इसी के द्वारा जो जा रही है सारे जलकुंभी जा रही है। अंदर में है जो बॉक्स टाइप का है, नीचे में बॉक्स टाइप का है, उसी में सारा जलकुंभी इकट्ठा होगा, फिर भर दिया जाएगा इसको। उसके बाद है कि इसको एक तरफ साइड में कचरा की तरफ एक तरफ साइड में पूरे मशीन के द्वारा फेंक दिया जाएगा फिर पीछे के द्वारा। आप जो देख रहे हैं बड़ा सा चक्का नाच रहा है दोनों साइड में रहता है, ये इसीलिए रहता है क्योंकि देखिए पानी को चीरता है, जिससे क्या होता है कि गाड़ी को जो ताकत मिलता है, एक शक्ति मिलती है आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए पानी के द्वारा ही इसको शक्ति मिलती है। जैसे एक चिड़िया है जो आपने देखा होगा, कोई भी इंसान ही तैरता है ना तो पीछे की तरफ पानी को चीरता है, धक्का मारता है, तभी जाकर वो आगे बढ़ता है। उसी के जैसे इसमें चक्का बनाया गया है ताकि ये पानी को चीर रहा है, मार रहा है, जिससे इसको क्या शक्ति ताकत मिलता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है या पीछे करता है। देख सकते हैं आप कैसे इसमें जलकुंभी है जो सारा जा रहा है, इसमें अंदर इकट्ठा हो रहा है बॉक्स में। ये सीढ़ी नुमा ऐसे है ना, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बाहर के मॉल में होती है ना तो ऑटोमेटिक सीढ़ी बनती है, तो उसी के जैसा ये भी है सीढ़ी के जैसा। या आपने देखा होगा गांव देहातों में जो एक गेहूँ की देवनी होती है ना, उसी तरह से पट्टा बना रहता है। पट्टा पे आप रखते हैं तो गेहूँ का जो उसका जो एक डांट रहता है उसको लेकर के जाता है अंदर और पूरा उसको तोड़ देता है, उसी तरह ये पट्टा है। पट्टे के माध्यम से ही सारा जा रहा है जलकुंभी अंदर, देख सकते हैं ये इसके साइड में है जो आए दिन काफ़ी फ्रेश था पहले। इसका रीज़न ये भी है कि बरसात के दिनों में जब ज़्यादा पानी आती है तो कहीं ना कहीं से ये जलकुंभी बहा कर चलाती है और जहाँ पानी रुकता है, जहाँ दिखाई देता है पानी ठहरने वाला है, वहीं पे ये जलकुंभी है जो अपना स्थान बना लेती है, वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी नज़दीक से मैं आपको शूट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कैसे इसको पानी को चीर रहा है, बड़ा बड़ा चक्का इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।